अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्त में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब करें 9390610436 पर। ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅವರು ಬೇಡಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ನಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ಮಠ ಮಾಬುಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೀಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಅಬ್ದುರದರ್ ದರ್ಗಾ ಬಿಜಾಪುರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವಾಗ ಅವರು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡಲಿ. ಆದರೆ ಹಮೀದ್ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ದೀಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಹಮೀದ್ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
हमारे महबूब साहब मुजावर जो हैं कतनाली से लेकर आज बीजापुर तक जमीन मापते हुए अल्हाज अब्दुल हमीद मुशीफ साहब के वास्ते दुआ करने के लिए शाह अब्दुल रजाक कादिर रहमतुल्लाह अलैह तक जमीन मापते हुए आए हैं। तो आज जो है बीजापुर शहर के अंदर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कैंडिडेट के वास्ते 200 किलोमीटर तक ऐसी तपती हुई धूप के अंदर ऐसे गर्मी के माहौल के अंदर भी एक इंसान जो अल्हाज अब्दुल हमीद मुशरिफ साहब की मोहब्बत में और पूरे बीजापुर शहर की जनता की मोहब्बत में ये लोग अगर अब्दुल हमीद मुशरिफ चुनकर आएंगे तो पूरे बीजापुर की जनता खुश और आबाद रहेगी। 5 साल तक ऐसी उम्मीद लगाकर जो जमीन मापते हुए आए हैं, तो मैं महबूब मुजावर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम अल्लाह से मैं दुआ भी करता हूँ कि उनकी मनोकामना जो है जो भी वो लेकर मनोकामना आए हैं वो पूरी हो और अल्हाज अब्दुल मुशरिफ साहब आने वाले दिन के अंदर MLA बनकर पूरे बीजापुर शहर की जनता की सेवा पूरी बीजापुर जनता की जो सेवा है वो कर दिखलाएंगे और इस MLA को ये दिखलाएंगे कि आने वाले दिन के अंदर ऐसा कभी नहीं चलेगा। पूरे जाति धर्म को लेकर चलने वाला एक एक आदमी है वो कौन है उसे तो आगे आगे की बात अभी जो है भाई हमारे महबूब मुजावर साहब को हमारे अल्हाज अब्दुल हमीद मुशरिफ साहब कैंडिडेट कांग्रेस के वो खुदकुशी करेंगे और शालकुशी करेंगे और उनको ये आजाद सर सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे हिंदू भाई को मुसलमान भाई को सबको सलाम। मैं जो कतनाली बस्ती में रहने वाला, मेरा नाम है महबूब इब्राहिम साहब मुजावर, जो वहाँ पे महबूब सुबानी दरगाह और सदाशिव मुत्या की मठ है वहाँ से 16 किलोमीटर अब्दुल रजाक बाबा के दरगाह तक जमीन मापने की मेरी 5 महीने की मन्नत थी। जो हमीद भाई मुशरिफ उन्होंने चुनकर आएंगे बोल के मैं उनको मन्नत मांग के और MB पाटिल दोनों चुन के आएंगे बोल को वही मन्नत मांग के मैं 16 किलोमीटर जमीन मापने की मन्नत से मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ अब्दुल रजाक दरगाह तक। सबको मैं दुआ करता हूँ, सब मेरे हिंदू भाई मुस्लिम भाई मेरे हमीद भाई को सुनकर लाना बोल के मेरे से दुआ है। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, मैं एक गरीब आदमी, मैं जो रोजी रोटी पे रामने वाला हूँ, जो भी मैं हमाली करके मेरे पेट भरने लगा। सब मेरे भाई, सब हिंदू भाई मुस्लिम भाई अच्छा रंद बोल के देखो, हमारे मुस्लिम भाई 5 साल से पढ़े बोले तो भी गरीब आदमी को सब अच्छे हिंदू भाई होंगे कौन से मुस्लिम होंगे सबको मदद किए हो, ऐसा ही फिर चुन गए तो सबको अच्छा मदद करते बोल को मैं मन्नत मांग के यहाँ तक जमीन मापते आया हूँ। मेरा नाम है महबूब इब्राहिम साहब मुजावर, मैं कतनाली बस्ती में रहने वाला। महबूब मुजावर साहब कतनाली से इतने 16 किलोमीटर जी नमस्कार डालते हुए आए हैं, लेकिन आप लोगों को वो जिस तरह से धूप में आए हैं आपको भी उसी तरह से सब लोग मिलकर जो है इलेक्शन के दिन ये धूप में अपने घर से निकलना है और सारे अपने एरिया के जो भी लोग हैं उनको साथ में लेकर जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हैं कि ये लोग जो है सारे अपने एरिया के लोगों को लेकर सामने खड़े होकर उनका वोट कराएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं दो बातें खत्म करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। आज महबूब साहब इब्राहिम साहब मुजावर कतनाली से अब्दुल रजाक दरगाह खादरी बाबा के पास दीर्घ नमस्कार करते जमीन मापते हुए सुबह से अभी आपको पहुँचे, हमें भी यहाँ वार्ड नंबर 31 में आते हैं, हमें मालूम पड़े हमें यहाँ को उनको मिले हार श्याल करें। सब तमाम लोगों को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को कड़कड़ी विनंती करता हूँ कि एक बार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा होटा देखो आशीर्वाद देखो मुझे चुन पुलाव कर को उनको विनंती करता हूँ। इन्हों हमारे वास्तव कतनाली से बीजापुर तक हमारे अब्दुल रजाक
बाबा दरगाह तक चलते आए, उनको भी शुक्रिया अदा बोलते हूँ, तमाम लोगों को शुक्रिया अदा, कतनाली के पूरे लोगों, कतनाली के पूरे लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। मुजाफर कत्नळ्ळिय सदाशिव मुत्यन मठ मत्तु सुभान अन्नो ओंदु दर्गादिंद ई अब्दुल रजाक दर्गाक्के इवत्तिन दिवस दीड़ नमस्कार हाकोत इवत्तिन दिवस कांग्रेस पक्षद अभ्यर्थिगळाद अब्दुल हमीद मुसरीफ्रवरु आरिश बरबेकंत हेळि ओंद ई बिसलल्लि इदु माडिद्दारे इदु केवल और अब्दुल मुसरी और आरिश बरबेकंतल्ल हिंदू मुस्लिम भावैक्यत संकेतवागि इवत्तिन दिवस अवर दीड नमस्कार ऐति मत्तु इवत्तु हिंदू मुस्लिम कूडि इवत्तिन दिवस ई अब्दुल नम्म मुसरी साहेबरन्न आरिश तोरेदद अदक्कागि देवर अवरु एनु हरिके अद आ हरिके मन्नस्ताने मत्तु इवरु 25,000 इल्लि आरिश बर्तारे अंत हेळि तम्मल्लि नानु मनवि माड्कोतीनि अदक्क नावु नीवु हिंदू मुस्लिम एल्लरू कूडि इवत्तिंद ओक्कट्टिनिंद इवत्तिन दिवस हळि एनु 52 कांग्रेस दुबळारन्न तंदित्तु अदु इवत्तिन दिवस नेनपिसलागत्तद ई भावकेतदिंद मुसरी पवर्न 25,000 मत्ते आरिस्तारो अंत हेळि नानु मातनाडुत्तीनि जय हिंद जय आज कत्नळ्ळि से हमारे हिंदू मुसलमान पूरे भाई आए महबूब साहब मुजावर इनो दीड़ नमस्कार भाते जमीन मापते हुए फजर 5 बजे से अभी आग पहुँचे अब्दुर्रज़ाक दरगाह बाबा के दरगाह में कत्नळ्ळि वाले का तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। समाजदे अमित मुसरी नानु कल धन्यवाद।